अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आपको अहम खबर से आगाह करते चले हैं कि एक मरतबा फिर हुकूमत सिंध की जानिब से गुलशन हदीर, जो कि हॉट स्पॉट एरिया कहलाता है कोरोना केसेस के हवाले से, वहां पर दोबारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डिस्पेंसरी में कैंप लगाने का फैसला किया गया है। जी हाँ, स्क्रीनिंग कैंप लगाने का फैसला किया गया है जो कि कल लगेगा। उस सिलसिले में हम रब्ता करते हैं आगा तारिक पठान से, जो कि ज़िला काउंसिल कराची के मेंबर हैं। जी आगा तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। बड़ी मेहरबानी वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस के दोस्तों की, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुलशन हदीद में तीसरी दफ़ा कैंप लगाने का मकसद यही है कि करोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है सिंध हुकूमत की, उसमें हम लोगों को मज़ीद चेक करें और ये टेस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्री है। कल 21 मई बरोज़ जुमेरात है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहीद बेनज़ीर भुट्टो डिस्पेंसरी यूनियन काउंसिल 23 में ये कैंप लगाया जा रहा है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जिस भी दोस्त को करोना टेस्ट करवाना है वो वहाँ पर तशरीफ़ ले आए, उनका टेस्ट फ्री किया जाएगा। सिंध हुकूमत और सूबाई वजीर जनाब गुलाम मुर्ज़ा बलोच साहब, MNA सरदार जाम करीम साहब, MPA मोहम्मद साजिद जोखियो साहब और चेयरमैन ज़िला काउंसिल कराची सलमान मुराद साहब की ये कोशिशें हैं कि हम गुलशन हदीद को करोना से पाक करें। तो इस वक्त गुलशन हदीद में जो सूरत हाल है करोना की, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि गुलशन हदीद में तकरीबन 36 के करीब केसेस हमारे पास हुए थे करोना के पॉजिटिव, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो साहब और गुलाम शबीर जंडान साहब, हमारे करोना वायरस के शिकार होने वाले 2 शहीद मौजूद हैं। और जबकि इस वक्त तक तकरीबन 13 लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गुलशन हदीद के सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 21 लोग अभी तक जो है वो सेहतयाबी के अमल से वहाँ पे नहीं पहुँचे और उनका इलाज जारी है। जो कुछ दोस्त हमारे जो पॉजिटिव थे वो होम आइसोलेट बने वहाँ घर पे हैं, और जबकि कुछ अस्पतालों में दाखिल हैं। हमारे एक सीनियर साहब की दोस्त हमीद सुमरो भी इस करोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिन जो इस वक्त अपने होम आइसोलेट में बैठे हुए हैं और क्वारंटाइन किया हुआ है उनको। जबकि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस लॉकडाउन में नरमी की वजह से ये केसेस में इजाफा होता जा रहा है, तो आप मेहरबानी करके घरों में रहें, अपने आप को इस करोना वायरस से बचाएं, अपने घर को बचाएं, अपने बच्चों को जो है इस बीमारी से महफूज रखने के लिए आप एहतियात करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कल जिसको भी टेस्ट करवाना है शहीद बेनज़ीर भुट्टो डिस्पेंसरी में आ जाए, वहां पे आपका टेस्ट मुफ्त किया जाएगा। महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टर मकबूल मेमन साहब हमारे DHO, सीनियर फोकल पर्सन हमारे डॉक्टर मोहम्मद बख्श दहानी साहब, मीर अब्बास तालपुर साहब जो हमारे ज़िला काउंसिल के मेंबर भी हैं, और मैं ज़िला काउंसिल का मेंबर होने के साथ UC 23 की नुमाइंदगी करते हुए हम सारे वहां पे मौजूद होंगे। और जिस दोस्त को भी वहां पे टेस्ट करवाना है तो वो मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आए। जी बहुत शुक्रिया आगा तारिक पठान, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाजरीन देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़।